दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों, लोगों की डिमांड पे आज की तारीख में आज हमारी 1.5 अरब की जनसंख्या है। तो ये मान के चलिए 1 अरब लोगों के पास आज मोबाइल है, और मोबाइल हमेशा हर स्थान पे हर व्यक्ति हर क्षण इस्तेमाल करता है। मोबाइल नंबर की एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ कहां कहां मैच करती है और हम कैसा जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से मोबाइल के बारे में जाना जा सकता है। आज मेरा जो थीम है, मोबाइल नंबर से जाने किस नंबर से आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आज हम दुखी हैं, कोई कहता है कि मेरा काम नहीं चलता, कोई कहता है कि मेरा कार्य बांध दिया, कोई कहता है मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया, और कोई मतलब अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें बोलता। आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, आज हम जब जैसे ही सुबह उठते हैं सोके, आज हम भगवान का नाम बाद में लेते हैं, पहले हमारे हाथ में मोबाइल आता है। हम देखते हैं अपने दाएं बाजू की तरफ के मोबाइल रखा है नहीं रखा, समय पहले मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल उठाते ही उसको स्टार्ट कर देते हैं, बेड पे से उठते नहीं और मोबाइल हमारे हाथ में होता है। तो आज समय बड़ा भगवान कौन है? मोबाइल। हम पहले पृथ्वी माता को चूम के कार्य करते थे, आज मोबाइल को हाथ में लेके काम करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को हमारे सुख और दुख का कारण क्या है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हमें मिली, भाग्य से मिली, हम उस डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उस डेट ऑफ बर्थ से अपने जीवन को सरल और सुगम और अच्छा बना सकते हैं। जैसे भगवान ने जो हमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो तो निश्चित है, जो भी डेट है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है, मोबाइल में उस डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट करके हम अपने जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अच्छे बुरे समय में बार बार कौन संकेत या इंडिकेशन या आवाज आती है, तो किससे आती है? मोबाइल से। पहले लोग पर्सनल आते थे, उनकी एनर्जी होती थी, लेकिन आज व्यक्ति खुद नहीं आता, मोबाइल करता है कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ। दोस्तों, मैं इसके विषय में आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, सुनिए। एक एफएम पे बैठा हुआ, एक म्यूजिक या रेडियो स्टेशन पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई गाना गाता है, वो जिस लहमे गाना गाता है उस गाने की आवाज सुन के एफएम में श्रोतागण उनकी मानसिक स्थिति वैसी ही बन जाती। तब अंदाज लगाइए कि उस जो लाखों हजारों किलोमीटर दूर ऊपर जो ग्रह नक्षत्र विराजमान है, सौर मंडल है, उन ग्रहों का प्रभाव से हमारा व्यक्तित्व बना है, उनकी एनर्जी हमारे पे क्या प्रभाव डालती है। जो नंबर होती है, एक नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर वो 9 ग्रह हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो 9 नंबर भी तो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे। कभी क्या कल्पना करी? हर व्यक्ति अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ले तो जीवन में दुख नहीं होता। जो व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार नहीं ढालते वो जीवन भर दुखी रहते हैं और परेशान रहते हैं और जिद्दी कहलाते हैं, घर में भी, परिवार में भी, और संसार में भी, और समाज में भी। तो दोस्तों, हम डेट तो नहीं बदल सकते, लेकिन मोबाइल नंबर को बदल के हम अपनी व्यवस्था को ठीक बना सकते हैं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत लंबी लंबी है, आज ये वीडियो डल भी जाएगी, और आज मैं मोबाइल पे एक जूम क्लास लेने जा रहा हूं, फ्री क्लास दूंगा, डेमो दूंगा, उसके बाद हम कोर्स चालू करेंगे। यदि कुछ लोग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आज फ्री डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाह रहा दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं हम अपने डेट ऑफ बर्थ से, एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं मैं, ठीक है। हां, अब मैं बताना चाहता हूं, हमारा ये लोशो ग्रिड होता है, लोशो ग्रिड से हम मोबाइल नंबर को कैसे ग्रिड में भरेंगे और कैसे जानेंगे, मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का, 6 नंबर शुक्र का।
अब मैंने डेट ऊपर थी, अब इस डेट ऊपर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मूल्यांक सात, एक और छह सात और पांच बारह, एक तेरह और नौ बाईस और छह अट्ठाईस और चार बत्तीस, कंडक्टर फाइव। इसके पीछे मैं आपको एक दृष्टिकोण बताना चाहता हूं। ये दोस्तों एक डेट ऑफ बर्थ है, जब हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ ली, जब ये व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए गए थे आज से 20 साल पहले, जब जिस समय हमारे मोबाइल की कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आप भी अपना चेक करना, जब ये लेने के लिए गए तो इनका मूल्यांक सेवन और कनेक्टर भाग्यान पांच आया। तो अब देखिए भाग्यान पांच आया, इनके मोबाइल का जब हमने टोटल करा तो ये भी पांच आता है, नौ और तीन बारह और छह अठारह और आठ छब्बीस और चार तीस और तीन तैतीस और तीन छत्तीस और दो अड़तीस और सात पैंतालीस और पांच पचास। अब देखिए दोस्तों, हम सबको कहते हैं बार बार कि पांच नंबर को मोबाइल लो। इन सज्जन का ऑटोमेटिक मोबाइल पांच पे आया, डेट ऑफ बर्थ से आप देखिए। तो मैं ये कहना और बताना चाहता हूं आपको कि जो भाग्य ने हमें दे रखा है वो आगे आगे हमारे अपने आप चलाएगा, हमारे मोबाइल नंबर के द्वारा, हमारी संतान के द्वारा, हमारे मकान के द्वारा, वो नंबर बार बार हमें दिखाई देता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे डबल थ्री दिखाई देता है, डबल फाइव दिखाई देता है, जो हमारे मूल्यांक और भाग्यांक में है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में है, वही चीज हमारे आगे आगे चलती है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, यदि आपको अपना जीवन, अब देखिए इसमें हमने क्या करा, फोर को फोर में भर दिया और नाइन को नाइन में भर दिया और टू को टू में, ठीक है। ये देखिए 492 इस मोबाइल नंबर को हमने इसके अंदर भरा, ये आप भर लेंगे मोबाइल नंबर। अब देखिए ये व्यक्ति अपने आप में 4338, ये लोशो ग्रिड क्या बोलती है, ऐसा व्यक्ति दिमाग का तेज होगा, ऐसा व्यक्ति काम निकालने में सक्षम होगा, ऐसे व्यक्ति एक्टिव होगा, एक्शन प्लान होगा, ऐसा व्यक्ति खुद काम करने में विश्वास करेगा। मैंने अभी बताया मोबाइल नंबर हमने फीड करा, इनकी 101% सत्यता दिखाई दी। तो इसको मोबाइल नंबर को आप लोशो ग्रिड में फीड करके आप कैसे आप जीवन के सच्चाई को और सरलता के अनुसार देख सकते हैं, आज मैं शाम को यही आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर किसी को अगर पैसे की कमी है, ऐसे व्यक्ति को पैसे की कमी है, ऐसे व्यक्ति को 456 नंबर ले लेगा तो उसके अंदर एक जोड़ देगा तो ऐसे व्यक्ति के पास स्थायी रूप से धन रहेगा, सक्षम रहेगा। कोई व्यक्ति टूर पर जाना चाहता है, विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसके पास कौन सा नंबर होना चाहिए, 6, 7 और 4। 7, 4, 4 राहु का, 7 केतु का और 6 लक्ष्मी का, ऐसे व्यक्ति का विदेश का योग बनेगा। 4 नंबर है तो परमानेंट योग बनेगा, आप समझ गए। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के पास 3, 8 होना अनिवार्य है, 3 गुरु का, 8 शनि का, शनि प्रॉपर्टी का कारक है। अच्छा अब इसके बाद मैंने क्या बताया, अगर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी लेनी है और उस पर काम भी करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम भी करना चाहते हैं तो 258 या 852 है तो वो इस काम में कामयाब होगा। 2 नंबर चंद्रमा का, 5 नंबर बुध का, 8 नंबर शनि का सफलता मिलेगी। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, अगर कुछ पाना है तो पूरी वीडियो देखने का प्रयास करना। अच्छा अब हाँ प्रश्न हो गया, गवर्नमेंट जॉब पाना है तो 139 होना चाहिए, अगर 139 है, 1 सूर्य का, 3 गुरु का, 9 मंगल का, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी जॉब मिलेगी। और अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो 4, 9, 8, 4 राहु का, 9 मंगल का, 8 शनि का। इसके बाद मैंने क्या बताया, एंटरटेनमेंट एंजॉय करना चाहता है, आई एम डिस्को डांसर, तो अब देखिए 1, 5, 6 और 9 उसकी बुद्धि, और 6 शुक्र का है, उसके सोच मजबूत होनी चाहिए। अब उसके बाद नॉलेज किससे मिलेगी, 148 हमेशा आदमी हमेशा आगे रहेगा, ज्ञान रहेगा, 1 सूर्य का, 4 राहु का, 8 शनि का। अब मैं बताना चाहता हूं मीडिया में कोई जॉब करना चाहता है, अगर कोई मीडिया में जॉब करना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति
3, 4, 5, 9 होना चाहिए। अच्छा, फ्रेंड सर्कल किसी का नहीं है, वो फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है तो अपने मोबाइल के अंदर 256 नंबर ले सकता है। हैप्पी मैरिड लाइफ है, 2, 3, 5, 6 टू चंद्रमा का, 3 गुरु का, 5 बुध का और 6 शुक्र का। बैंकिंग माना जाता है तो 1 और 5। लग्जरी बिजनेस 666 और मल्टीपल मार्केटिंग 456। बिजनेस 951। विल पावर मजबूत होती है। नॉलेज के लिए 357। दोस्तों, मैंने आपको ये चार्ट बता दिया लो शो ग्रिड से के द्वारा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैंने जोड़ के दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पे मेरे मोबाइल की वीडियो देखें, और अगर ये आपको अच्छी लगती है तो आप आगे मुझसे संपर्क करें। अगर आप व्यक्तिगत अपना दिखवाना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मात्र उसकी फीस मेरी 1500 रुपये है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसे कोर्स चालू करा रहा हूं, मात्र 3100 रुपये, उस अंदर मैं नोट्स भी आपको। तो मैंने ये सारा का सारा पैटर्न आपको सिखा दिया और बता दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मोबाइल नंबर हमें जीवन में हर उस ऊंचाई पहुंचा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भगवान ने हमें नहीं दिया लेकिन हम उसे पाना चाहते हैं, उस पर प्रयास करते हैं, 951 हमारे पास है, विल पावर हमारी मजबूत है, तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगा करता हूं, नमस्कार करता हूं। अगले फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, और आपको इसी तरह की युक्तियों से भरी मैं वीडियो आपको देता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। नमस्कार।